फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जबशंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेकर आया हूं वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रहा है। वीडियो आप पूरा देखते जाए फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक देखते जाए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी मिले 100% रियली भर्ती की जानकारी मिलेगा, वो भी सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, GDS ग्रामीण डाक सेवक का नई भर्ती निकल के आ रहा है। आप देख रहे हो 40,889 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। GDS का 10th पास इसमें चाहिए, लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 रहने वाला है। इसका मैं सारा डिटेल्स में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये हमारा जबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे आ जाना। ये आप देख रहे हो यहाँ पर दे दिया गया इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, नहीं तो लेटेस्ट जॉब में दे दिया, देख रहे हो इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS 40,889 पोस्ट निकल के आ रहा है। इस पे आप क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा। ये आप देख रहे हो आपके सामने डिटेल्स खुल गया, 27 जनवरी 2023 को अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, जबशंकर की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आ जाना। पोस्ट नेम देख रहे हो ग्रामीण डाक सेवक GDS का भर्ती रहने वाला। नोटिफिकेशन नंबर देख रहे हो 17/21/2023 GDS रहने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से नई भर्ती निकल के आ रहा है। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक GDS का भर्ती रहने वाला 2023 का बड़ी भर्ती निकल के आ रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट डेट्स देख रहे हो, एप्लीकेशन स्टार्ट 27 जनवरी 2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाला 16 फरवरी 2023, ठीक है। एडिट करेक्शन के लिए आपको समय दिया जाएगा, जो कि आप देख रहे हो 17 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक आपको कुछ अगर गड़बड़ हो जाए फॉर्म में तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये खुलेगा 17 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक चलेगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन फॉर्म ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी आप देख रहे हो, फॉर जनरल ओबीसी EWS के लिए ₹100 आपको फी देना पड़ेगा। फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए ₹0 है, ठीक है। पे एग्जाम फीस हो तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। एज लिमिट देख रहे हो 16 फरवरी 2023 तक आपको एज होना चाहिए, मिनिमम एज चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज चाहिए 40 साल। एज रिलेक्शन आपको छूट मिलेगा। सैलरी आप देख रहे हो फ्रेंड्स, फॉर BPM मतलब ब्रांच पोस्टमास्टर, ठीक है, उसका पे आप देख रहे हो ₹12,000 से लेकर 29,380 आपको पे मिलेगा मंथली। फॉर आप देख रहे हो ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, ठीक है, पे आप देख रहे हो ₹10,000 से लेकर ₹24,470 आपको पर मंथ आपको दिया जाएगा। ऑल इंडिया वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पर दे दिया आप देख रहे हो, यहाँ पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। टोटल आप देख रहे हो 40,889 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस सर्कल से बिलोंग करते हो, ठीक है, उस सर्कल का यहाँ पे टोटल दे दिया गया। जनरल ओबीसी SC ST EWS PWD का टोटल यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। और इसमें भरने से पहले फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, लैंग्वेज सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। अगर आप आसाम से बिलोंग करते तो आसाम में देख रहे हो असमीज असमिया, और आसाम में 3 नंबर देख रहे हो बंगाली बांग्ला, आसाम में देख रहे हो बोडो, ये 3 टाइप का आपको पूछा गया है, ठीक है। लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट में देख रहे हो 40,889 पोस्ट रहने वाला, ठीक है। पोस्ट नेम देख रहे हो ग्रामीण डाक सेवक GDS रहना। जनरल में 18,122 पोस्ट निकल के आ रहा है। ओबीसी में 8,285 पोस्ट निकल के आ रहा है। SC में 6,020 पोस्ट निकल के आ रहा है। ST में 3,476 पोस्ट निकल के आ रहा है। EWS में 3,955 पोस्ट निकल के आ रहा है। फिजिकल हैंडीकेप में देख रहे हैं 1,031 पोस्ट टोटल निकल के आ रहा है। टोटल मिला के आप देख रहे हैं 40,889 पोस्ट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख रहे हो, पोस्ट GDS रहने वाला है। पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हो 40,889 पोस्ट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी 10th पास चाहिए, मैथ्स एंड इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का, और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और साइकिलिंग का, ठीक है। इंडिया पोस्ट GDS सर्कल वाइज नोटिफिकेशन फ्रेंड जल्दी ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा, हर स्टेट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपडेट नहीं किया, लेकिन आपको जल्दी ही अपडेट आपको मिल जाएगा देखने के लिए, यहाँ से नोटिफिकेशन ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक्स देख रहे हैं, डेट ऑफ पब्लिश 27 जनवरी 2023 को पब्लिश किया था। अप्लाई ऑनलाइन आपको करना पड़ा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो आप एक नोट कर लीजिएगा अपने पेपर में, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। फी पेमेंट आप देख रहे हो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ पे ऑनलाइन फी, यहाँ से क्लिक करके आप फी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद फी पेमेंट हो जाएगा तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड नोटिफिकेशन का चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स, ये GDS का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके
करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे सिंगलिंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स का लास्ट डेट रहने वाला है 16 फरवरी 2023, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसका नोटिफिकेशन की ओर आपको लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन रहने वाला है 27 जनवरी 2023 को पब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू रिलीज किया गया, आप देख रहे हैं। तो टोटल इसमें देख रहे 20 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। डिटेल्स भी यहाँ पे सारा मिल जाएगा, बाकी अदर्स डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये स्टेट वाइज दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं स्टेट वाइज सर्कल वाइज यहाँ पे पूरा क्लियर दिया गया, आप देख रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं डाल दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको जानकारी देना था, भर्ती निकल के आ चुका है GDS का और अप्लाई आपको करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये आप GDS का ऑनलाइन का फॉर्म का यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शेड्यूल देख रहे हैं 23 जनवरी एंगेजमेंट नंबर पोस्ट यहाँ पे लिख दिए गया, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन यहाँ से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके थे 4 के रजिस्ट्रेशन मार के आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना होगा तो अप्लाई यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिया गया फ्रेंड, जो चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। ऐसे नहीं भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा फ्रेंड्स। बड़ी भर्ती निकल के आ रहा है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, आप अप्लाई कीजिए अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें। तो फ्रेंड्स आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। ऐसे नहीं भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा फ्रेंड्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।